I'm Jade. Welcome to Mango Drift. I'm the manager and I've been here since December 2019. हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हम यहाँ पे रुके हुए हैं यार मैंगो ड्रिफ्ट में, जो कि ग्रीन सफारी का एक वेंचर है, यानी उनकी एक प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है, बैक पैकिंग कैटेगरी आप बोल सकते हो। यानी पूरे लिकोमा आइलैंड में अगर आपको एक बैक पैकिंग वाइब्स चाहिए और चीप स्टे लग्जरी इन्वायरमेंट के साथ और बैक पैकिंग कल्चर के साथ, तो वो ये जो मेरे पीछे आप प्रॉपर्टी देख रहे हो मैंगो ड्रिफ्ट, वो आपके लिए हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं खुद इस प्रॉपर्टी पे रह रहा हूँ, तो मेरा ये आज चौथा दिन है भाई, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इस पूरे प्रॉपर्टी का एक क्विक टूर दे देता हूँ कि यहाँ पे रूम वगैरह कैसा है, कितने का पड़ा और बाकी सर्विसेज क्या हैं, यहाँ पे अगर आपको आना है तो आप कैसे पहुँच सकते हो, कैंपिंग वगैरह अगर आपको करना है, आप बजट ट्रैवलर हैं तो क्या वो ऑप्शन है या नहीं, बाकी खाने का क्या ऑप्शन है, रेस्टोरेंट बार सर्विसेज एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे आने के बाद आप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस मैंगो ड्रिफ्ट प्रॉपर्टी पे दिखाता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा यार कि ये पूरा का पूरा ट्रिप मेरा लिकोमा आइलैंड, खासकर ये 4 दिन का स्टे, फूड, एक्टिविटीज़, ये सारी की सारी भाई स्पॉन्सर्ड की गई है डायरेक्ट ग्रीन सफारी और इस मैंगो ड्रिफ्ट के टीम की तरफ से। मैंगो ड्रिफ्ट का नाम मैंगो ड्रिफ्ट है क्यों इस पूरे प्रॉपर्टी का, तो बाद में मुझे पता चला कि आप ये देखिए, कहीं भी आप जाएंगे इस पूरे प्रॉपर्टी में हर जगह आपको आम ही आम नज़र आएगा। और आम के गुच्छे देखिए, ये तो काफ़ी छोटे वाले आम हैं यार, बड़े बड़े भी आम यहाँ पर आपको काफ़ी नज़र आएंगे, कहीं भी आप जाओगे हर जगह आम, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ राइट हैंड लेफ्ट हैंड कहीं भी देखोगे सब जगह आम है। और ग्रीन सफारी की प्रॉपर्टी 3-4 जगह है, मालावी कंट्री में है, जाम्बिया में है, जिम्बाब्वे में भी है शायद उनका, तो आप अगर इन 3 कंट्रीज़ में हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट। प्रॉपर्टी की बुकिंग डिटेल्स यानी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, जीपीएस मैपिंग लोकेशन इस प्रॉपर्टी का और पूरे इस ग्रीन सफारी का मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। ये रहा इनका मेन रिसेप्शन एरिया, जो काफ़ी अच्छा लगा अपने को, इनका जो इंटीरियर इन्होंने किया यार, सबसे अच्छी चीज़ जो है ये अपने को लगी कि शिप, आप देखो रिसेप्शन का जो काउंटर है ये कितना खूबसूरत है, पूरा का पूरा ये एक बोट है, इस पूरे बोट को भाई इन्होंने डिज़ाइन कर दिया, आप देखो पूरे के पूरे रिसेप्शन काउंटर में। और सबसे
खूबसूरत जो मोमेंट होता है इस प्रॉपर्टी में हमारा, वो है अपनी इस प्यारी सी बिल्ली। देख रही हो क्या बेटा, आ जाओ। तो इनके साथ हम रुको, इसको अच्छे से लेते हैं यार, ना नाराज़ हो जाएगी। तो हमारा जो सबसे प्यारा मोमेंट रहता है हम इनके साथ, देख रहे हो अभी ये सो के उठी हैं। तो ये भी भाई इस मैंगो ड्रिफ्ट की एक फैमिली मेंबर हैं। क्यों आप हो ना, हम और आप दोनों हैं, कोई बात नहीं। अभी हम मेहमान थोड़ी हैं, अब तो हम आपके दोस्त बन चुके हैं। पूरा इंडिया हमने तो पिंक कच्छे में पहन के घूमा था, तो उसी का हमें थोड़ा सा नज़ारा यहाँ देखने को मिला। बाकी फूल वगैरह इन्होंने लगाए, और मोस्टली यार अपना टाइम यहीं पे बीतता है, चाय हुआ, कॉफ़ी हुआ, और खाना वगैरह जब भी खाना हुआ ऑर्डर करके हम लोग यहीं पे खाते हैं। और ये रहा बुक स्टोर। जरा भी आप बोर महसूस कर रहे हो स्विमिंग वगैरह करने के बाद, तो आप आके यहाँ पे भाई किताब वगैरह पढ़ सकते हैं। अब हमें याद आया कि सबसे पहले हम मालावी कंट्री में हैं, तो मालावी कंट्री की किताब आपको देखने को बनता है, और पढ़ना है अगर आप तो आप पढ़ भी सकते हैं। पूरी गाइडेड इन्फॉर्मेशन मालावी के बारे में, कहाँ जाना है, कब जाना है, किस टाइम में जाना है, कौन कौन से प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है, क्या अवॉइड करना है, टिप्स क्या होंगे, सेफ्टी मेजर्स क्या होंगे, ATM कहाँ है, बैंक कहाँ है, सारी इन्फॉर्मेशन इस किताब में है। इसको मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा। अब आप सोचोगे कि मैंने पढ़ा है या नहीं, तो भाई मैंने पढ़ा नहीं पूरा, बट मैंने एक ओवर व्यू गो थ्रू जो बोलते हैं वो मैंने कर लिया था ऑलरेडी, अपने को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। बट आप अगर पहली बार मालावी आएंगे और डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं तो शायद ये आपके लिए काम आए। तो ये रहा यार मैंगो ड्रिफ्ट का रिसेप्शन एरिया, काफ़ी अच्छा खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। 2-6 PM हैप्पी आवर्स भी है इनके पास, खासकर बैकपैकर्स के लिए। अगर आप ड्रिंक वाले बंदे हैं तो 5-6 PM हैप्पी आवर्स, ऑल ड्रिंक्स ऑफ 20%। मैंगो ड्रिफ्ट आपको कई ढेर सारी फ्री सर्विसेज देता है, खासकर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे पॉपुलर है यार। अब उसमें स्नॉर्कलिंग हो गया, डाइविंग हो गया, काइकिंग हो गया, और वाटर स्पीड पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, इतना तो हमको भी नहीं पता यार, क्योंकि हम स्पोर्ट्स के बंदे तो हैं नहीं। बाओ बाओ ट्री, आप लोग बोलते हो यार कि बाओ बाओ ट्री सिर्फ एक ही जगह है, दो ही जगह है, तो भाई बाओ बाओ ट्री तो हर जगह है। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट पूरी प्रॉपर्टी, आधी की आधी प्रॉपर्टी बाओ बाओ ट्री और मैंगो ट्री के भरोसे ही बनी है। और ये देखिए मैंगो ट्री के नाम से हमें एक चीज़ याद आया कि अगर आप ओवरलैंडर हैं, यानी अगर आप कैंप वैनर जो बोलते हैं, या आपको कैंपिंग करनी हो तो आपके पास अपना टेंट है, तो कैंपिंग एरिया भी इनके पास है, अच्छा खासा स्पेस है। ये आपको नीचे देखो, और बेडशीट आपका बनाने के लिए नीचे लेयर आपको ये इस तरह का भाई, अपने यहाँ जो घास बोलते हो या लखठा बोल लो या सरपत बोल लो, जो भी आप बोलना चाहो, अफ्रीकन सरपत मैं इसको बोलूँगा, ये आपको नीचे दे दिया जाएगा। अब उसके बाद जो भी इनका कैंपिंग का चार्ज है वो आप पे करिए, अपना सेटअप यहाँ पे इंस्टॉल करिए। खाने वगैरह का अरेंजमेंट यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप खुद से कैंपिंग कर रहे हैं तो सेल्फ कैटरिंग के लिए यहाँ पे सुविधा नहीं है, आपको खुद से करना है। सारा इक्विपमेंट ले आइए, आप अपने से बनाइए, खाइए, कोई मनाही नहीं है। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप डायरेक्ट रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर दे सकते हैं। जो मेन यहाँ का चर्च है, सेंट्रल कैथेड्रल, जो एंगोलियन चर्च बोला जाता है, वो आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा है। और कटुंडू करके एक प्लेस है, ग्लास फैक्ट्री वगैरह, जो रिसाइकल ग्लास है उसको रिसाइकल करके काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वो सब आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी जो घूमने लायक चीज़ें हैं वो ले दे के लिकोमा टाउन, इकलौता जो है इस पूरे आइलैंड पे, यानी जहाँ पे भाई मार्केट वगैरह थोड़ा सा लगता है, लोकल जो लोग हैं यहाँ पे ख़रीदारी वगैरह करते हैं, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मोस्टली जो पूरा का पूरा ये एरिया है हिली एरिया है, तो सुबह और शाम को काफ़ी आपको अच्छा फील होगा अगर आप छोटे 3-4 गांव यहाँ पे हैं, मांबा गांव पड़ता है जिसको लिकोमा विलेज भी बोलते हैं, वो सब आप एक्सप्लोर ज़रूर करिए, मैंने खुद किया है। बाकी जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे हैं वो आप करिए, ये लोग काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ इस लिकोमा आइलैंड पे, खासकर इस पूरी ग्रीन सफारी और मैंगो ड्रिफ्ट टीम की तरफ से, वो काफ़ी अच्छा रहा। और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू इंटायर टीम फॉर होस्टिंग मी एंड स्पेशली फॉर गिविंग मी सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस द रियल लिकोमा हॉस्पिटैलिटी और यहाँ के लोग, और ख़ासकर भाई ये अपना मैजेस्टिक आइलैंड इस लेक मालावी के ऊपर। हाय, माय नेम इज एवंस, आई एम गुड टू द गेस्ट एंड आई होप व्हेन आई एम चैटिंग विद द गेस्ट
they're always happy with me. Yeah. Hi, my name is Blessings. I'm working at Mango Drift since 2016. Working with Mango Drift has changed my life because, as you can see, in Malawi, you don't just find a job. It's not easy to find a job, but with Mango Drift, we are able to feed our families. We are able to get something. So really, Mango Drift has changed my life. Hi, I'm Jade. Welcome to Mango Drift. I'm the manager, and I've been here since December 2019. The life is pretty great. I'm actually really loving it. I've lived at the lake for the last 10, 11 years anyway. So this is kind of like home in a way. Yeah, so for guest interactions, I do prefer Mango Drift because I mean, you've experienced it. It's all very relaxed. You all have dinner together on the beach. You know, you'll go off together and do activities if you want to, or you know, maybe everyone will just do their own thing during the day, and then around 5 o'clock everyone will come and sit together and then have dinner together, and then yeah. So our prices at the moment, camping is $5, then we have the beach chalets, which are $20 for single occupancy, $30 for double occupancy. And then our ensuite rooms are $30 single occupancy and $50 double occupancy. Oh, I forgot the dorm. Dorm is $10 per person per night. तो यार तैरना तो आता नहीं अपने को, तो हमने देखो लाइफ जैकेट पहन लिया है और अभी कच्चे में हम आपको दिख रहे हैं और ऊपर से एक ब्रह्मास्त्र भी हमने अपने साथ लिया यार. ये देखो, ये है भैया पाइप, ताकि अगर हम डूबें तो हम अपने से अपने को खुद बचाएंगे और ये लाइफ जैकेट हमारा काम आएगा. बाकी यहाँ पत्थर है यार काफ़ी, तो देखते हैं क्या हिसाब किताब है. कोशिश करूँगा तुम करने की, बट पानी को देख के ही भाई फटने लगती है अपनी, क्योंकि पानी से हमारा रिश्ता काफ़ी दूर दूर का रहता है. फिर भी अब इतनी ट्रैवलिंग अगर एडवेंचरस होती है तो यार ये भी कुछ नया ट्राई करना बनता है. क्या कहते हो आप लोग, चलिए आज स्विमिंग भी ट्राई किया जाए. ओह माय गॉड भाई, ये तो पहले ही भाग रहा है पानी में हमसे पहले ही. अपने से भाई इतना ही हुआ और पानी थोड़ा सा इधर साफ नहीं है यार. ऐसे ही लाइफ जैकेट खोलता हूँ यार. अब यहाँ लाइफ जैकेट की क्या ज़रूरत है, फालतू में साला पानी ज़्यादा वजन तो इसका हो गया है. और भाई क्या करें, ये बचाएगा अपने को कहीं ना कहीं, तो हमें इसका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना. बाकी ऐसे ही मज़े ले रहे हैं. पीछे हमारे मैंगो ड्रिफ्ट प्रॉपर्टी, उन्हीं के सामने ये उनका प्राइवेट बीच, और इधर आपको मछुआरे भाई अपने सभी फिशरमैन मछलियों के तलाश में लगे, और एक फैमिली आई है मछली पकड़ने हमारे ही प्रॉपर्टी में बैठ के, और इधर हम अकेले. अभी यार आज जितने गेस्ट थे वो ऑलमोस्ट चेकआउट कर दिए, तो ले देखे हम ही बचे, और कल हम यहाँ से निकलेंगे यार. बाकी थोड़ा सा आज का दिन काफ़ी रिलैक्स भरा है, बस थोड़े बहुत फोटो वीडियो हमें लेने थे यहाँ के, वो लिए और ऐसे ही बैठ के भाई चिलिंग आउट हो रहा है. डेटा वगैरह ट्रांसफ़र करना था वो भी काम हो गया. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात की यार, आप लोगों की कंप्लेन आ रही है भाई कि वीडियो ही नहीं अपलोड हो पा रहा यार. तो वीडियो अपलोड इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है, ना ही वाईफाई है. और यहाँ पे देखो भाई साहब टावर भी लगा हुआ है. अब ये MTN का है, TNM का है या एयरटेल का है ये पता नहीं. ले देखे थोड़े बहुत नेटवर्क आ रहे हैं फ़ोन में, तो इस वजह से हमने टॉपअप कराया जो उस दिन आपने देखा था नमासो बे में. तो 40 GB का कराने के बाद बावजूद भी भाई अभी भी हम इंटरनेट यूज़ नहीं कर पा रहे, तो ये हाल है. मालावी कंट्री में वाईफाई ना के बराबर है, और कल से यहाँ अपने को खुजली हो रही यार. अब आप लोग देखो कैमरे में शायद अगर नज़र आ रहा हो, हम भी इसी बहाने देख लेंगे, ये पूरी बॉडी में खुजली हो रही है. और वैसे भी लेक मालावी में कहावत है कि
इसमें डूबने पे यानी नहावन स्नान करने पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा उसका हमको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ से चलने के बाद हम दोबारा नहाएंगे यार अंदर। तो ये था भाई अपना एक एक्सपीरियंस। बाकी वीडियो जैसा भी लगा आप बताइएगा फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बाकी यूं ही लाइव स्टेटस के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करते रहिए, और हमारे साथ पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट खास करिए मलावी जर्नी यार ट्रैवल करते रहिए। बाकी कोशिश करूँगा यार कि वीडियो आप सबको काफ़ी जल्दी जल्दी अपलोड करूँ। पंगा यही हो रहा है अपने साथ यार कि इंटरनेट मिल नहीं रहा है, बट कोशिश ज़रूर करूँगा कि वीडियोज़ आपको जल्दी डालूँ और आप सब तक पहुँचे और आप हमारे साथ लाइव ट्रैवल कर पाएँ। बाकी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो, नए डेस्टिनेशन, एक नई स्टोरीज़ के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और यूं ही ट्रैवल करते रहिए पूरा का पूरा अफ्रीका, खासकर अभी मालावी कंट्री। लेट्स रोम इंडिया इन मालावी इन अफ्रीका विद अंश मिश्रा। सी यू समवेयर ऑन द रोड।